जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका चौरी मोहम्मद शफीक और हम हैं इस वक्त इस्तांबुल में टॉपकैपी पैलेस में, जो कि महमद ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाया था और बाद में जहां पर शाह सुलेमान भी रहा करते थे। और ये पैलेस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस जगह है। जब भी आप तुर्की आएँ तो इस पैलेस का ज़रूर विज़िट करें। आज हम भी आपको इसी पैलेस का विज़िट करवाएँगे, तो चलिए फिर देखते हैं टॉपकैपी पैलेस। इसी पैलेस की उस वक्त की दीवार, मैं सोचता हूँ कि उस दौर के बादशाह जो थे वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे रहा करते थे। इसका दूसरा दरवाज़ा है उसी पैलेस का, ये दरवाजे मंदिर आए हैं, ये दूसरा दरवाज़ा है और ये उसी वक्त की जो है वो दीवार है। ये सी किस वक्त का स्ट्रक्चर बनाने का सिस्टम क्या था। महमद बादशाह का महल आपको किसी ने नहीं दिखाया, ये महमद बादशाह का महल है, यहाँ पर वो रहा करते थे। बहुत खूबसूरत जगह है। जहाँ हुरम सुल्तान रहा करती थी और बादशाह सुल्तान रहते थे, उसके बाद उनके बेटे और फिर महमद तक यहीं रहते रहे हैं वो। और देखिए आप कि कितना खूबसूरत लिविंग स्टाइल था। इसके बिल्कुल साथ समंदर है और ये बिल्कुल समंदर के ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये उस वक्त का उनका दीवाने ख़ास है जो कि हम देखने के लिए जा रहे हैं। बाद में हम हरम की तरफ जाएंगे, पहले हम दीवाने ख़ास देखेंगे।
ہی خوبصورت ہے اور یہ اسی وقت کا ہے یہاں پہ سلطان جو تھے وہ رہتے تھے اور اس کے بعد اس کی اولاد رہتی رہی ہے حرم سلطان جو تھی وہ بھی یہی پہ رہا کرتی تھی یہ ان سب کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور کچھ ان کے شایان شان جو شاعری ہے وہ لکھی ہوئی ہے یہ اس وقت کا کچھ میوزیم ہے اس میں یہ کچھ چیزیں اس وقت کی انہوں نے رکھی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ اس وقت کی گھڑی ہے نارمل سٹائل کی ٹیبل کلاک ہے یہ وہاں پہ ویڈیو بنانا الاؤڈ نہیں تھا ورنہ میں نے آپ کو بہت ہی نوادرات والی چیزیں دکھانی تھی جو کہ ان کے دور کی بہت خوبصورت چیزیں ہیں اور سلطان محمد کے دور کی تھیں چلیں ہم دوسرے میوزیم کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں یا نہیں لیٹس گو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں
फातिमा हुसैन पैंतन पाक का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि उस वक़्त के जो लोग थे वो पैंतन पाक को बहुत ज़्यादा मानते थे। नसरुल्लाह बिन फतह करीम ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। गुरु जय मारने वाले आपको उस वक्त का इनकी जो चीज़ें वो दिखाई हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत और नायाब चीज़ें थी। इनका म्यूज़ियम बना हुआ है जो हुरम सुल्तान का पैलेस है उसके अंदर ही इनका म्यूज़ियम बना हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। ठीक है, आप जब भी तुर्की हैं तो उसका ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलें हम आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सुल्तान के पैलेस के अंदर जा रहे हैं।
और अब हम आपको सुल्तान का पैलेस दिखाएंगे। ये उसका दरवाज़ा है और ये पैलेस। कई फिल्म बनाने देते हैं, कई नहीं बनाने देते। अगर उन्होंने वीडियो बनाने दी चलो चलो तो आपको दिखाऊंगा, अगर ना बनाने दी तो आपकी किस्मत। आते ये हमारा सो इस्तकबाल करते हैं अंदर। ये उस वक्त का लिबास और तो मैंने अभी यहाँ पे कोशिश की थी वीडियो बनाने की, लेकिन मुझे उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। वो कहते हैं कि यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। लेकिन यकीन करें कि जब मैं अंदर गया था और बाहर आया हूँ तो मेरे जज्बात पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा हम्बली और आई एम फीलिंग चेंजिंग। जो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि आपकी आपकी जो अंदर एक रूहानियत है उसको आप बिलीव नहीं कर सकते। जब मंदिर गया था तो मैंने कुछ वीडियोस बनाना शुरू की थी, लेकिन बाद में जो था ना वो हमें उन्होंने मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए। अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी के बाल मुबारक, बीबी फातिमा का कुर्ता मुबारक, हजरत इमाम हुसैन पाक का कुर्ता मुबारक और उस वक़्त के सहाबा की तलवारें पड़ी हैं। तो इन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं अंदर और रूहानियत से भरपूर, ठीक है। और काबा के
जो हैं वो जहाँ से पानी गुजरता है जब बारिश होती है तो वो भी यहीं पे बड़े हैं। काबा की चाबी हैं इनके पास और बहुत सी इनके पास नायाब और नायाब चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं नहीं दिखाई देंगी, जो कि मैंने यहाँ पे देखी है। लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं अंदर बनाने दी वरना मैं आप सब से भी शेयर करता। ये हम सुल्तान अहमद अहमद जिस पे बैठते थे तो वहाँ पे जो है हम आए हैं, ये उसका हरम है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये उनकी कुर्सी थी, यहाँ पे वो बैठते थे, जिसे हम तख्त बोलते हैं। ये उनका तख्त है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ आर्किटेक्चर का एक शाहकार है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। चलो अब आगे चलते हैं। ये जी उनका व्यू पॉइंट है, उनके महल से उनको समंदर का ये व्यू दिखाई देता है, बहुत ही महफूज होते रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारा इस्तंबुल का व्यू है। यहाँ पे हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। हमने आपको सुल्तान और सुल्तान महमद जो सुल्तान के बेटे थे उनका ये मकबरा दिखाया है, यहाँ पे वो रहते थे और यहाँ पे उनका सारे ये उन्हीं के घर वगैरह और उनका सारा सिस्टम यही था। और हमने आपको सारा विज़िट करवाया, बहुत खूबसूरत जगह है। जब भी आप तुर्की हैं तो उसका ज़रूर विज़िट करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।